मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ क्लास में क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक में पेज नंबर 36, 37, 38 सॉल्व करेंगे। इसमें एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी थी कि लायन का बेबी, जो लायन का बच्चा होता है, वो जंगल में जाता है, खो जाता है और खोने के बाद फिर वो रोने लगता है। वहाँ पर ढूंढता रहता है अपनी मदर को, अपनी माँ को ढूंढता रहता है। फिर वहाँ पर उसको एक डियर दिखाई देता है, बूढ़ा डियर, उस पर दया आ जाती है। वो उसको लेकर अपने साथ आ जाता है। तो वो अपने घर आता है डियर लेके, तो उसके जो डियर के साथ रैबिट, स्क्वायर एंड कई सारे एनिमल्स रहते थे। तो वो शेर के बच्चों को देख के डर जाते हैं, कहते हैं इसको क्यों ले आया, ये तो हम लोगों को खा जाएगा। तो वो डियर ने समझाया, नहीं खाएगा, हम उसको समझा दिए हैं ऐसा नहीं करेगा। रात भर वो वहीं पर रुकता है, सुबह वो जाने को चलता है तो रैबिट चालाक होता है, कहता है रुक जाइए, रुक जाओ, ये तो भागा जा रहा है, पहले हम लोग अपने आप को काउंट तो कर लें। हम लोग टोटल 240 एनिमल्स थे, मतलब वो टोटल 240 थे पहले, ठीक है। 240 कौन कौन थे? रैबिट, डियर, स्क्वायर एंड कुछ बर्ड्स थी, ये चारों मिला के 240 होंगे। तो कहते हैं पहले हम काउंट कर लेते हैं तब इसको जाने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये खा गया हो हमारे कुछ साथियों को, ठीक है। तो देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ स्टोरी से। यहाँ पे टिल्लू काउंटेड रैबिट डियर है, देयर वर 27 एंड 48। टिल्लू काउंट करता है रैबिट को, डियर को, तो रैबिट है 27 और डियर है 48, ओके। ओल्ड डियर था वो काउंट करता है बर्ड्स एंड स्क्वायर को, ठीक है ना। देवर 124 एंड 30 है, जो बर्ड्स हैं वो 124 है एंड स्क्वायर है वो 38 है। इस तरीके से उनके एनिमल्स और बर्ड्स हैं कुछ, ठीक है ना। तो हम देखते हैं टोटल हमारे पास कितने होंगे। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं रैबिट एंड डियर का, 27 एंड 48 को हम प्लस करते हैं, ये हमारे पास कितने हैं। तो यहाँ हम प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, बर्ड्स को हम 1 मानते हैं, टेंस को हम 10, ठीक है ना। तो क्योंकि वो सिंपल लेते हैं, वैसे हम समझाते हैं कैसे प्लस करना है। ये हो गया अपना वंस, वंस को ट्राइंगल के अंदर 1 मान लिया, टेंस को हम इस तरीके टेंस ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं, ये 27 है, 27 कह सकते हैं, 20 प्लस 7 या 27, तो ऐसे लिख सकते हैं 27, ठीक। अब इसके नीचे क्या है, 48, तो नीचे 48 लिखते हैं, अब इसको प्लस कर देते हैं, ओके। प्लस कैसे करते हैं, अब ये देखिए 27 है, तो कई तरीके होते हैं प्लस करने के लिए। वैसे हम आपको एक तरीका ये भी बताते हैं कैसे प्लस करना है। यहाँ पे वंस के 7 है और टेंस के 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं, टेंस के 2 के 7, इस तरीके से हम बना सकते हैं, ओके। यहाँ पे 48 है, मींस वंस में 8 है और टेंस में 4 है, तो टेंस के 4 बना लो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं
समय पर बर्स थी और कुछ स्क्वायर हो रही होती, तो उनको प्लस करके देखते हैं। यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पे देखिए ये टेंस हो गया, ये वंस हो गया, यहाँ पर 124 है, मतलब 100 प्लेस पर भी है कुछ। तो यहाँ 100 प्लेस को इस तरीके 100 मान लेते हैं। जब 124 हो गया इस तरीके से, यहाँ पे हम 38 लेते हैं, तो हम देखते हैं इसको हम प्लस करके देखते हैं, ठीक है ना। ये 124 नीचे है 38, फिर वही कैसे प्लस करना है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे वंस प्लेस पे कितना है 4, तो वंस के कितने बना लो 4 बना लो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4, ये 1 के हो गए वंस के। अब टेंस के कितने बने हैं 2, तो यहाँ पे 2 बना लो टेंस के। और 100 के कितना है, 100 का सिर्फ 1 है, तो 100 का बना लो इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे 38 लिखा है ना, ठीक, तो वंस प्लेस पे कितना है 8, तो वंस के कितने बना लो 1 के, वंस के 8 बना लो 1 2 3 4 5 6 7 8। और टेंस पे कितना है 3, तो टेंस पे कितने बना लो 3 बना लो 1 2 3, इस तरीके से बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम सबसे पहले किसको प्लस करते हैं, वंस प्लेस को, तो वंस प्लेस पे ये वाले हम प्लस करते हैं, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक 10 आ जाए उनको सर्कल कर दो, यहां तक आया ये 10 के अंदर है, तो 10 वाला सर्कल हो गया, ठीक है। ये 10 कैरी हो गया, कहां चला गया, इस 10 में आ गया, तो इसको कैंसिल कर दो और यहां एक और 10 बना दो, ठीक है ना। इसने किसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है ना। अब यहां बचे कितने हैं 2, तो 1 से कितने बचे 2, तो 2 यहां पे लिख दो इस तरीके से, राइट कर सकते हैं 2। नेक्स्ट अब टेंस वाले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, उसको भी काउंट करना है जो बना था, तो टेंस वाले कितने आ गए 6, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 6, ठीक। और ये 100 का 1 ही है, तो 100 का 1 का 1 लिख दो, ओके। तो ये टोटल हमारे पार्ट्स एंड स्क्वायर कितने आ गए 162, इस तरीके से हमारे ये आ गए। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, हाउ मेनी आर वी इन ऑल, ये दोनों का टोटल फिर करेंगे, ठीक है ना। ये था रैबिट एंड डियर का टोटल, ये था बर्ड्स एंड स्क्वायर का। अब चारों एनिमल्स है, चार प्रकार के एनिमल्स को प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे प्लस करेंगे, ये था 75, तो वो था 162, तो यहाँ पे फिर वही 100 बना लो, 10 बना लो और 1 बना लो, 162 और नीचे के लिए तो 75, ओके। फिर इनको प्लस कर दो, वैसे भी प्लस कर सकते हैं, वैसे प्लस कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो वंस प्लेस है उनको ड्रॉ कर लेते हैं, वंस प्लेस वाले कितने 2 1, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 2, टेंस प्लेस वाले कितने हैं 6, तो 6 ड्रॉ कर लो, वाले काउंट करो
हो गए, मीन्स ये हो गए 2, तो हमारा टोटल कितना हो गया 237। अब लेकिन स्टोरी बोला गया था टोटल एनिमल्स कितने थे 240, ठीक है ना, लेकिन जब लायन जो लायन का बेबी था उसको सुबह जाने को हुआ तब उन्होंने प्लस किया अपने टोटल एनिमल्स कितने हैं 237। इसका मतलब उस बेबी ने, लायन के बेबी ने इनके तीन फ्रेंड्स को क्या किया, खा गया था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, दी एनिमल्स ईटेड बाय लायंस बेबी। ओके, ये 237 है ना, और 240 तो वैसे भी हम माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन 37 के बाद क्या आता है 38, 39, 40, मतलब 3 आ जाएगा। तो 3 एनिमल्स क्या लिया, उस लायन बेबी ने खा लिया, ठीक है ना। तो प्लस करने का एक आसान तरीका ऐसा है कि इस तरीके से हम प्लस कर सकते हैं, तो जो आगे जो क्वेश्चन है उनको इसी तरीके प्लस करना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।